हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो है सैमसंग गैलेक्सी F62 की। F62 है ये, साइड में लिखा है, और बहुत हैवी लग रहा है तो इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। साइड में ये है, इस साइड ये है, आपको पूरा मैं दिखाता हूँ। तो लाइक करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे लेज़र ब्लू लिखा है, 64 GB रैम है और रोम 128 GB है। शायद फोकसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अब ठीक हुआ थोड़ा लगता है, फिर वही हो गया। चलिए कोई बात नहीं। और इसकी प्राइस आपके स्क्रीन के सामने है, ये लिखिए प्राइस, इसकी MRP। मोबाइल फ़ोन F62 पंचुअल कैमरा है उसमें भी, जिसमें हम लोग ने रेडमी नोट 9 में भी था उसमें, यहाँ पे पंचुअल था, इसमें बीच में पंचुअल है। सैमसंग गैलेक्सी F को खोलते हैं, F62 को, बीच में इसका पंचुअल है सैमसंग की तरफ से है। सबसे पहले हम लोग इसको काट लेते हैं, तब तक के लिए वीडियो होगी स्टॉप। चलिए मैं इसको काट लिया हूँ, इसका ये और ये, मैंने कैमरा इतनी देर के लिए स्टॉप कर दिया था। तो आप सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से, ये एक सैमसंग लिखा हुआ है, निकालते हैं। पीछे की तरफ से पिन के लिए है, और एक यहाँ से खोल के देखते हैं, QR कोड बना है, क्या है, तीन इसकी मैनुअल गाइड और बहुत तीन चीज़ें हैं। अब मैनुअल गाइड ये सब कोई वो नहीं है, देख लीजिए, इसको मैं वापस रख दे रहा हूँ। और सैमसंग की तरफ से ये फ़ोन आता है F62, एंड्रॉयड 11 भी है इसके अंदर। चलिए हम लोग इसको, ये रहा इसका ये, अब इसको ऐसे ही हम लोग डाल देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है, कवर अब नहीं मिल रहा इसके साथ। ये रहा अपना फ़ोन, इसको साइड में रख देते हैं। एक चार्जर मिलता है यहाँ पे, टाइप सी लगने लग गया, आप सैमसंग लिखा हुआ है, फास्ट चार्जर है, देख लीजिए। एक डेटा केबल मिलती है, और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, कवर भी नहीं दिया है इसके साथ, और ईयरफोन, अब कवर और ईयरफोन अब नहीं आते। और एक ये केबल है टाइप सी, और बॉक्स में कुछ नहीं है केबल, अब देख लीजिए एक बार। और ये पूरी केबल मैं खोल के दिखा देता हूँ, दोनों तरफ टाइप सी है। और मोबाइल को भी निकाल लेते हैं, वापस मैं इसी तरह रख दूँ बॉक्स, और इसको बॉक्स को बंद कर देता हूँ। सबसे पहले अपने चार्जर की तरफ बढ़ते हैं, मोबाइल में सबसे लास्ट में, मोबाइल तो मेन है, पता नहीं इसमें कौन सा किस तरफ लगेगा ये तो नहीं मालूम, मगर मेरे ख़्याल से ये वाला, इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये फोकस में बहुत दिक्कत है, हाँ ये इस पर एक साइड लिखा हुआ है, बाकी इस तरफ कुछ नहीं है। तो सैमसंग में ऐसा टाइप का लगा रहता है, और साइड बड़ा वाला रहता है, तो मेरे ख्याल से इसमें लगेगा जी कुछ इस तरीके से। और ये रहा सैमसंग चार्जर, बिल्कुल बदल गया, अब पहले से तो अच्छा ही है। ये रहा अपना मोबाइल, बैक लेज़र ब्लू है, ये पता नहीं यहाँ पे कुछ पन्नी टाइप का चिपका हुआ है, ऊपर भी यहाँ पे कुछ पन्नी टाइप का चिपका है,
साइड में यहाँ पे कुछ फनी टाइप का पता नहीं कैसा चिपका है साइड साइड में। इस साइड ये फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले नहीं है और ना यहाँ पे फिंगरप्रिंट ये ऑन ऑफ वाले बटन में। ऑन ऑफ का मतलब है ऐसे बटन नहीं दबाना है, हम लोग को ऐसे रखना है सिंपली खुल जाएगा फ़ोन। तो सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद सेटअप करूँगा। सैमसंग लिखकर आ रहा है, सैमसंग गैलेक्सी सिक्योरिटी का है, पावर बाय एंड्रॉयड, एम्बेडेड डिस्प्ले है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको मैं जल्दी से सेटअप कर लूँ, उसके बाद इसको हम लोग आपको दिखाएंगे क्योंकि सेटअप हर फ़ोन में मांगेगा। सेटअप कर लूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ये सेटअप हो चुका है, पासवर्ड सब डाल चुका हूँ। ये देख लीजिए पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड जल्दी से डालूँ। पासवर्ड डाल लिया, फ़ोन स्टार्टिंग दिखा रहा है और बाहर है इसके। जैसा कि ये फ़ोन है आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ। ऑटोमेटिक इसने कुछ खोला है, इस पर ऑटोमेटिक खुला है सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी मैं अपडेट करूँगा आपको फ़ोन दिखा देता, उसके बाद अपडेट होगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं सैमसंग का ऐसे ऐसे चलता है, अब ऐसे हैं कुछ ऐप ऑटोमेटिक डाउनलोड हुए, नेटफ्लिक्स, बायजूस, बहुत सारे हैं इसमें ऐप ऐसे ही डाउनलोड हो गए हैं। और अभी हम लोग गेम लॉन्चर में चलते हैं, गेम में वो वेलकम टू योर गेम लॉन्चर और ये मांग रहे हैं, मगर अभी हम लोग एग्री वगैरह कुछ नहीं करेंगे। स्नैपचैट पता नहीं कैसे डाउनलोड हो गया। आपको कैमरे से फ़ोन दिखा के दिखाता हूँ मैं, ये देख लीजिए आपको दिख रहा होगा कैमरा इसका बढ़िया है। मैं रेडमी से वीडियो बना रहा हूँ ना और इसमें इतने, ये देख लीजिए बहुत अच्छा है इसका लुक, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। और बैक में ये घूमता है गोल गोल, एमोलेड डिस्प्ले है, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ठीक आप देख सकते हैं। और मोर पे ऑप्शन पे जाते हैं तो इतने सारे आपको मोड मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट, बहुत सारे, टेक फ़ोटो भी है, ये क्या है, टेक सेल्फी के लिए अगर मैं सेल्फ़ी करता हूँ ऐसे, अगर मैं उंगली दिखाता हूँ जैसे फ़ोटो खींच लेगा, जैसे कि अभी मैंने पता नहीं क्या हुआ है। और आगे कैमरा लगा के का बहुत सारे मोड हैं, पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट वीडियो का भी है इसमें ऑप्शन, अच्छी बात है, पुराने सैमसंग में नहीं था। और प्रो मोड, प्रो वीडियो, प्रो मोड इसमें भी है रेडमी में जिससे मैं बना रहा हूँ, स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन सारे हैं ये सब तो सारे मोबाइल में। और प्रो वीडियो का रेडमी भी है और AR क्या क्या है, टेक सेल्फी नहीं नहीं AR कोई मोड है, चलिए आपको क्रॉस क्रॉस क्रॉस। आज की वीडियो में 8 मिनट हो गए हैं, 9 मिनट होने वाले हैं बस। और यहाँ से हम लोग करते हैं तो गूगल खुल जाता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं दिखता और यहाँ पर कुछ नहीं है। और ये जो वाइट वाइट देख रहे हैं ये क्या है, सैमसंग पे है और तो कुछ नहीं। और एक यहाँ से का ऑप्शन है जो आप और सबके मोबाइल में आ चुका है, सैमसंग के A50 गैलेक्सी M21। अबाउट हम लोग अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आया है N है उसके ऊपर, अभी हम लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर, एंड्रॉइड 11 है, पता नहीं कैसे चेक करते हैं, 11 आ गया,
और वन जीयूआई वर्ज़न है 3.1, और ये क्या है, ये रहा, और ये बहुत जो चेक फॉर अपडेट और सिक्योरिटी है, स्टेटस है, ईएमआई नंबर है, अप टाइम अभी इसमें दिखा रहा है, अभी इसमें अप टाइम दिखा रहा है इतना, क्योंकि बिल्कुल नया फ़ोन है ये। सेटअप करा इसके बाद मैंने इसको चार्ज में लगाया, इसलिए इसमें ऐसा हो गया है अप टाइम पे, इसलिए इतनी देर लगी। और इसको मैं चार्ज में लगा के दिखाता हूँ आपको, पीछे से ऐसा है, लेज़र ब्लू है, लंबा इसमें कैमरा है, इसमें फोर है, एक टॉर्च है, जैसा कि मैं टॉर्च आपको जला के दिखाता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा है, येलोइश टाइप की टॉर्च है इसकी, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी है, मगर ये यहाँ पे है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, ये इतने सारे वो हैं तो नहीं लगाना मुझे, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ऐसे एक बार टाइप करेंगे तो आ जाएगा, सेटिंग पे खोलना है तो 91% चार्ज है, तो अभी हम लोग इसको चार्ज में लगा के चेक कर देंगे। चेक क्या, मैं चेक कर चुका हूँ एक बार, चेक कर लूँ फिर से, लग गया चार्ज में, चार्जिंग 91%, सुपर फास्ट चार्जिंग, पहले तो फास्ट आता था, सुपर फास्ट आ रहा है, डबल टिक पे ऑन, डबल टिक पे ऑफ, ये भी है, रहना भी चाहिए। कितने मिनट दिखा रहे हैं, 91% है, अगर इसके चार्जर्स लगाते हैं तो 17 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, अगर इसके चार्जर्स नहीं लगाते तब पता नहीं कितनी देर में चार्ज होगा। सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर है, सैमसंग गैलेक्सी F62। आज की वीडियो में बस इतना नहीं मैं कह रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि हम लोग इतना, ये देखिए F62 आपके लिए लेकर आए हैं, इसकी आपने प्राइस भी देखी होगी 2999, देखिए फोकसिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देखिए बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो गया था, 299 देख लीजिए आप, प्राइस इसकी देख लीजिए, मिलते हैं लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye-bye.